आयुष्मान भव पंच तत्व का शांति यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। अब हम बच्चे का नामकरण करते हैं। गुरुजी, कितनी पूजा कितने व्रत रखने के बाद हमारे ठाकुर वंश को ये पहला वारिस मिला है, आशीर्वाद दीजिए। ये मेरी विरासत को भले ही न बढ़ाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्म को निभाने वाला धर्मराज होना चाहिए, ऐसा कोई नाम बताइए। उत्तम, अति उत्तम। अद्भुत है, महाअद्भुत। अक्सर लोगों के दाहिने हाथ में लकीरें होती हैं, पर बच्चे के भविष्य की रेखाएं इसके माथे पर हैं। वैसे तो हथियार और मृत्यु का सामना करने वाले मैंने बहुत देखे हैं, पर मृत्यु ही इसका हथियार है। मृत्युंजय है ये बालक। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। पुजारी जी, ये क्या हुआ? क्या बताऊं ठाकुर साहब, वो दिग्विजय का भाई वीरा मंदिर में आया था और हम जिस गाय की पूजा कर रहे थे उस गाय को उठा कर ले गया वो। इंसान हो या जानवर, बच्चे को माँ का दूध चाहिए, उसे माँ से कोई अलग नहीं कर सकता। इंसान हो या जानवर, कितनी बार तुम्हें कहा कि ये पाप का व्यापार बंद कर दो, ये तुम्हें विनाश तक ले जाएगा, समझ नहीं आता? ए, तुझे क्या समस्या है? गौ माता शब्द कोई जाति या मजहब नहीं है, चार पैरों पे चलने वाला ये धर्म है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुझे यहीं पर हलाल कर दूंगा। ये गौ माता अपने बच्चों को छोड़कर इंसान के बच्चों को अपना दूध पिलाती है, दूसरों के बच्चों को जीवन दान देती है। ऐसी माँ को तू कैसे मार सकता है? हम सभी इंसानों का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है, गौ माता पर निर्भर है। ए, सारी गौ माताओं को छोड़ दो। जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, धर्म हमेशा आपका आभारी रहेगा। ले जाइए इन्हें। चलो चलो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठाकुर साहब कितने अच्छे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। प्रेम और लगाव इंसान से ज्यादा जानवर समझते हैं, इसे यहीं रहने दो, कुछ दिनों के लिए ये हमारे पास ही रहेगी। ए, इसे ले जाकर पेड़ से बांध दो, जब तक ये माता से माफी नहीं मांगता छोड़ना नहीं। और हाँ, एक बात और, दिग्विजय को भी खबर भेज देना। दस एकड़ की परमिशन लेकर तुम लोगों ने 100 एकड़ हड़प लिया, विरोध करने पर तुमने ऑफिसर को भी खरीद लिया, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ओए ऑफिसर, इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर मैं तेरी लाश काट के चील कौओं को खिला दूंगा। मेरे भाई ने जैसा कहा चुपचाप वैसा कर, वरना यही काट दूंगा। ज्यादा क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं, तेरा क्रोध ही तेरा शत्रु है और तेरा संयम तेरी ढाल है। छोटे बच्चे और ईमानदार अफसर गुस्से से नहीं मानते हैं, उन्हीं की भाषा में उन्हें समझा। सुनिए, वेद पुराण पढ़ते हैं कि नहीं? वामन की कथा सुनिए। 3 गज जमीन मांग कर जिसने भूमि पाताल पर कब्जा कर लिया वो भगवान, और मैंने 10 एकड़ की परमिशन लेके 100 एकड़ पर कब्जा कर लिया तो मैं शैतान हो गया। लॉजिक मिस हो रहा ना सर? आप चले गए तो आपकी जगह दूसरा अफसर आ जाएगा, पर आपकी बीवी की मांग कोई दूसरा भर दे तो? नहीं सर, समझ गया मैं सर। भैया, भैया। कौन मर गया? ने आपके भाई को पेट से बांध दिया है और उसने भाई को बहुत मारा। भैया,
आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, मैं आपकी आंखों के सामने उस ठाकुर को जिंदा जला दूंगा। ए, ये गलत है। उसे गांव पर अधिकार चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए, पर गांव वालों को वो चाहिए। माफी ही मांगनी है, मांग लेते हैं। नानी, ये देखो मेरी चूड़ियाँ। तुम्हारे हाथों में इन चूड़ियों की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। नानी, ये देखो मेरी चूड़ियाँ। बहुत सुंदर है। भाभी, मुन्ने को देख रही है? कैसे आपको देखकर मुस्कुरा रहा है? इस उम्र में भगवान बच्चों के साथ खेलते हैं ऐसा कहते हैं। पता नहीं इसके साथ कौन से भगवान खेल और रहे कौन होंगे। महादेव की आप भक्त है तो शिव जी ही होंगे। अरे बेटा संभल कर गिर जाओगी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। हमने सुना माफी मंगवाने के लिए आपने खास निमंत्रण भेजा है। माफी क्या, आपको धन्यवाद देने आया हूँ। आइए खाते हुए बात करते। भैया, आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे? चुप रहो। खाने के समय घर पर आने वाला भले ही दुश्मन क्यों ना हो, अतिथि का सम्मान होना चाहिए। दिग्विजय, आओ खाना खाते हैं। हमेशा याद रखिए, दिल्ली के बारे में बताया था ना। धन्यवाद ठाकुर साहब। सॉरी, एक बार और। तेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। मेरे पास मत आना। अरे भाभी जी, आपको नहीं छूएंगे। कौन है ये राजकुमार? खानदान का चश्मो चिरा। सुना है इसके हाथ की लकीरें इसके माथे पर प्रदर्शित हो रही है। तो लकीरें मिटा दूं? ईश्वर, अगर आप हैं तो आपको मेरे बेटे को बचाना होगा। आज आपकी परीक्षा है ईश्वर। Oh,
उसकी लाश मिल गई है भाई। माता रानी को बलि चढ़ाने की मेरी तमन्ना आज पूरी हो जाएगी। बेजुबान जानवर है, गवाही नहीं दे सकता, पर आंखें हमेशा गवाही देंगी। इस नरसंहार को देखने वाली कोई भी आंख खुली नहीं रहनी चाहिए। लगे हाथों सारे सबूतों और गवाहों की चिताबी इसी हवन कुंड में जला दो। इस धरती पर गुनाह करने वाला हर शख्स अपने चारों तरफ देखता है और वो ये सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। वो ये नहीं जानता कि कोई है जो उसे देख रहा है। हर पापी के कर्मों का हिसाब ऊपर होता है, देर से ही सही, लेकिन उससे अपने आप को पापी कभी नहीं बचा सकता। इस बच्चे के साथ जो आज दरिंदगी हुई है उसे शायद ये पता ना हो, या जो ऊपर चले गए उनको भी ये कभी नहीं पता चले कि उनका बच्चा जिंदा है भी या नहीं। उधर गुनहगारों को ये लगता है कि उन्हें देखने वाला इस धरती पर शायद कोई नहीं बचा, पर ये तय है कि इस धरती में विलीन पंचतत्व ही हर घटना के साक्ष्य बनेंगे। ये बच्चा उनके गुनाहों का प्रायश्चित उनसे ही करवाएगा। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं, यही सृष्टि का नियम है। शिवम शिवम भवहरं भरं शिवम शिवम भवहरं भरं शिवम शिवम भवहरं भरं नमामीश्वरं प्राणेश्वरं पंचभूतेश्वरं अनादीश्वरं आदिश्वरं सर्वकालेश्वरं शिवम शिवम भवहरं भरं शिवम शिवम साहब, लगता है ये काम डाकुओं का है। सारा रुपया औरतों के जेवर सब लूट ले गए। ठाकुर साहब के पूरे परिवार को मार दिया साहब। अगर वो लुटेरे होते तो गौ माता को क्यों मारते, छोटे बच्चों को क्यों मारते साहब? पुजारी जी, क्या हुआ पुजारी जी? पुलिस वालों को उनका काम अब आप सिखाएंगे क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। शांत हो जाइए, उनको उनका काम करने दीजिए। जो गाँव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, आज उसी को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा है। ये कैसा अनर्थ है। अब आपके शरण में है आपका बेटा। शिव की अनुमति के बिना कोई भी जन्म नहीं ले सकता, इसलिए अब आप ही इसके पिता हैं। लीजिए जजमान, पूजा समाप्त हुई। दिल से अपने मन की मुराद मांग लीजिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। देखा जजमान, शिवजी ने आपके मन की इच्छा को कैसे पूरा किया। आप इसके माता पिता बनेंगे, यही भगवान की इच्छा है, इसीलिए तो ठीक समय पर इस बच्चे को कोई यहाँ छोड़ गया है। आज से इस बच्चे का नाम होगा विश्वा। Thank you.
थैंक यू गाइस, ये सक्सेस मेरी नहीं, आप सब की है। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उसका कारण मेरी फैमिली और आप सबका साथ। थैंक यू सो मच। सर, आप अपने सभी बिजनेस और साम्राज्य का उत्तराधिकारी विश्वा को बना रहे हैं, क्या यह सच है? नहीं, उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे मेरी इकोनॉमिकल लाइफ नहीं, उसे एडवेंचरस लाइफ पसंद है। अभी आपका बेटा कहाँ है सर? अभी वो दुबई में है। ओके, ओके, चलो ओके, जल्दी ओके, से पहले ये खा लो, फिर चलते हैं पार्क। स्माइल, स्माइल। ओके। Life is like a game. We keep playing till we win. Very good performance, darling. Yeah, you acted so naturally. Yeah. And guys, you did it amazing. With all your performances, Dubai shoot, we will win. So, what's your move, buddy? और क्या है? Competition में first prize लाना है। मतलब सारे stuff हमारे पास है ना? हमने जो किया है वो reality video game है। बच्चे video game क्यों पसंद करते हैं पता है? Because they are exciting and challenging. Risk कितना भी हो, खर्चा कितना भी हो, उससे related सारे खर्चे करके मैं shoot जरूर करूँगा। Hello. Diana. Sir. Is ma'am there? हाँ, yes sir, yes sir. Ma'am, आपके लिए phone है। हाँ. Hello. विश्वा की नींद पूरी हो गई हो तो उसे ऑफिस आने को कहो। वो काफी लेट घर आया था रात को, थोड़ी देर सोने दीजिए ना उसे। हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट बनाना है, उसे उस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। ओह ठीक है। How are you, Shiv Prakash ji? Oh fine, how are you? Have a seat. मिश्रा, yes. हमने जितना फाइनल किया था उससे 500 करोड़ एक्सेस कोट किया है तुमने। शिव प्रकाश जी, इस कलयुग में हम सब कुछ खाते हैं पर उसे डाइजेस्ट सिर्फ पैसा करता है। इस गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर्स को मिला के ओवरऑल 500 करोड़ का लॉस हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ये सब व्हाइट मनी से बनाया है। हेलो, किसके सामने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? सच्चाई और ईमानदारी से मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है। तुम्हारे जैसे फ्रॉड्स के लिए मैं अपना रेपुटेशन दांव पर नहीं लगा सकता। आई एम कैंसलिंग दिस एग्रीमेंट विद यू, गेट आउट। आप अपने लोगों पर भरोसा करके बिजनेस करते हैं और मैं लाशों को लांग करके यहां तक पहुंचा हूं। अगर आप मेरे रास्ते में आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि तुम मेरी तरह खेल नहीं पाओगे। विश्वा, विश्वा, रुको। मैं वीडियो गेम के खेल में मरने मारने की सोचता हूँ और तूने सोचा मैं जिंदगी के खेल में तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? महंगा पड़ेगा। ए, तू खुद को बड़ा हीरो समझता है क्या? ए,
बाप की इज्जत दांव पे लगी हो तो बेटा हीरो ही बनता है। सुन, लाइफ में तुमने इंडिया आने का चांस मिस कर दिया, गलती से भी। तू वहां आया तो यूएस में तेरी डेड बॉडी आएगी। शिव प्रकाश, गलत खिलाड़ी से पंगा लिया है इसने, ये गया काम से, समझो। बेटा ये सब क्या किया तुमने? आप आइए पापा, आइए। अरे जरा उसका ठीक से ख्याल रखना। तुम भी उसका ठीक से ख्याल रखना। हाँ, हाँ? बहुत गुस्से में कंपटीशन हार गया है वो। हाँ? चलो आओ। यार उस वीडियो गेम में है क्या, एक ओल्ड एज होम, एक ओल्ड लेडी, बस तीन कैरेक्टर्स बच्चों से हारते रहते हैं और क्या? मतलब गेम में उन लोगों ने अपना कल्चर दिखा दिया और हमारे गेम में वही मिस हुआ, ऐसा उन्होंने मेल किया है। हमारे कल्चर में मिस हुआ ऐसा है क्या, पत्थर और पेड़ के आसपास चक्कर लगाने के अलावा? अरे जरा सामने देख। ब्रो यही हमारी संस्कृति है। क्या, गाय के बच्चे को रोड पे छोड़ना, उनकी रक्षा करना? हो सकता है कि इसका घर मंदिर में हो। लेडीज लेडीज, आवर काउ इज मिसिंग सिंस हाफ एन आवर, आई एम सर्चिंग, वेयर इज इट गॉन, आई डोंट नो। हे, मिल गई, उसके पास है, देखो। अरे देखो तो, सुंदर है। लाइया साहब मुझे दे दीजिए। तुझे हिंदी आती है, इसका ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। उसे सड़क पे क्यों छोड़ा था? अगर हम सही समय पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। किसने किसको बचाया है ये भगवान को ही पता होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चल ब्रो। बेटा एक मिनट। आज का दिन बहुत शुभ है, गाय के बछड़े को बचा के आप यहाँ तक आए हो, अंदर आके शिव का दर्शन कर लो। सर 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 सर, एक मिनट सर, इस मंदिर में कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? प्रवचन है बेटा, प्रवचन। प्रवचन लेकिन किस महात्मा का? महात्मा नहीं, प्रवचन लड़की दे रही है। प्रवचन लड़की दे रही है, इंटरेस्टिंग। रुकिए सर, जो प्रवचन दे रही है उनका नाम क्या है? सौंदर्य लहारे। सौंदर्य लहारे, क्या नाम? सौंदर्य लहारे। दिखने में सुंदर है ना? आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं वो है प्रकृति और संस्कृति। पूरी सृष्टि इसी पर निर्भर है, जिसे प्रकृति कहते हैं। कईयों को लगता है कि संस्कृति का मतलब पत्थर की मूर्ति और पेड़ के इर्द गिर्द घूमना है। नहीं, हमें धर्म की राह पर चलना है। जनरली टेक्नोलॉजी ट्रेंड के कारण हम अपना ट्रेडिशन भूल जाते हैं। जो इंसान इस ट्रेंड और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, सक्सेस उन्हीं को फॉलो करती है। धन्यवाद। मस्त प्रवचन था। हेलो ब्रो, प्रवचन खत्म हो गया। मैं सब कुछ समझ गया। लड़की समझ में आई है प्रवचन? दोनों समझ में आए। दोनों आपको काफी देर से घूर रहे हैं। हे, नहीं नहीं, काफी देर से नहीं, बस अभी अभी आए हैं। आपको मिलना किससे है? आपसे। अब हाँ, मुझसे? जी हाँ। ब्रो कंट्रोल कर, ब्रो कंट्रोल कर। एक्चुअली आई एम अ वीडियो गेम डिजाइनर, अपने ट्रेडिशन के लिए वीडियो गेम प्लान कर रहे हैं। मतलब आपको पुराधन का ज्ञान है ना? पूरा वही। हाँ। पुराधन का नहीं, इतिहास का ज्ञान। ओह हाँ हाँ, इतिहास का ज्ञान आपको उसका अच्छा ज्ञान है। आप हमारी टीम में शामिल हो जाए तो अच्छा है। No, I'm not interested. Hey, free में नहीं करवाऊंगा। I'll pay money. Dollars चाहिए, rupees चाहिए या blank check भी हम आपको दे सकते हैं। Oh, rich kid, huh? Very rich kid. आपको पता ये कौन है? The great businessman magnate Shiv Prasad Susarla जी के इकलौते वारिस हैं ये। Oh, अभी तक पिताजी की आईडी पर ही जिंदा हैं।
फादर आईडी का क्या मतलब है? He has all the bank credit cards. He has a citizenship card. He voted for Trump also. कल्चर को कमर्शियल बनाकर उससे पैसे कमाना मेरा शौक नहीं है। प्लीज गो। आप तो बुरा मान गई। I'm so sorry सौंदर्या, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा नाम आपको कैसे पता है? अरे उस दिन मंदिर में आपको प्रवचन देते हुए इसने देखा और उसके बाद आपको इसने फॉलो भी किया और पता है हमने आपकी कार की फोटो भी खींची थी एड्रेस निकालने के लिए। गो। We are friends. It's a reunion. 96 batch. You know them? Not at all. Security. Ma'am. She is bothering us actually. She is. Thanks a lot. You're welcome. All right, kids. Bye. वो तो नाराज हो गई। अब आगे क्या होगा? इसे मनाने में एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। मेरा भरोसा करो। टिश्यू डस्टबिन में ना डालने से कोई नौकरी से कैसे निकाल सकता है? तुमने कुछ और किया होगा, मैं नहीं मानती। एक टिश्यू मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इश्यू बना देगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे नहीं सुनने। तुम पे भरोसा करके मैंने नई कार भी ले ली। देखो कार के साथ ली गई सेल्फी पे कितने लाइक्स भी मिले हैं। अब EMI नहीं भरे और कार लेके चले गए तो मैं सेल्फी किसके साथ निकालूंगी? तुम्हारे सड़े चेहरे के साथ। अगर तुम्हें छोड़ के उस बुड्ढे के साथ शादी करती तो अच्छा होता। 6 साल में US का सिटीजन बन गया है, पता है? यू आर हर्टिंग मी। उस बुड्ढे से ही शादी कर लेती ना। सर 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 सर, जॉब चली गई तो क्या आप जान दे देंगे? नहीं ना। आपको कैसे पता मेरी जॉब चली गई? क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? आपकी जॉब तो आखिर गई है ना। यहाँ पूरी जिंदगी क्वेश्चन बन गई। सर आपकी इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन? वो सामने देखिए। कौन है वो? विश्व द ग्रेट अरबपति शिव प्रसाद जी का इकलौता बेटा। प्लीज थोड़ा दूर रहिए, कीप डिस्टेंस। सर मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ सर, पिछले 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। बिना कोई रीजन दिए उन्होंने मुझे ये पिंक स्लिप दी है सर। बताइए, मेरी बीवी को जॉब देने का झांसा देकर मुझे ही जॉब से निकाल दिया सर। सैडिस्ट है वो। प्लीज हेल्प मी सर। प्लीज। कंपनी का नाम क्या है? टेक्सास टेक्नोलॉजी है सर। कॉल हिम राइट नाउ। हाय विश्वा, हाउ आर यू? गुड मैन। डू यू नो मिस्टर मुथियम? मुथियम? ओ ये, आई फायर्ड हिम टुडे। Why? Oh, did you? He's my friend, man. Oh, sir. Sorry, man. He never told me. Where is he? One second, Mike. Sir. Tissue. Sorry for the issue, sir. Hi, Mutiam. You never told me that Vishwa is your friend. You were promoted as development director. Thank you, sir. Sir, my wife, X4, age 34. Job one more, please. You are the new creative director. Yes. Okay, bye, Mutiam. 1 minute, sir. Awesome. Thank you, Mike. Let's catch up in the weekend. Yeah, see you. विश्व सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू बोलना इस सूरज को रोशनी दिखाने के जैसा है, लेकिन हमारे सर को हिंदी संस्कृति और इतिहास से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर कोई इतिहास सिखाने वाला हो तो जरूर बताइएगा प्लीज। क्या कहा? हिंदुस्तानी संस्कृति, इतिहास? इतिहास? इतिहास सिखाने वाला सर भगवान है सर, उसने आपका एहसान चुकाने का मौका दिया। क्या आपकी बीवी सिखाएगी? इसे गालियों के अलावा और कुछ नहीं आता। तो फिर मेरी भांजी है सौंदर्या। क्या लड़की? वो हाँ। क्या है कि मेरे सर लड़कियों से बहुत शर्माते हैं। सर लड़की है, अब क्या करें? एडजस्ट कर लेंगे। ओके। सर मेरी भांजी सौंदर्या से मिली है। मामा हाँ? इससे आपने हेल्प मांगी है? नो वे। ये लड़की आपकी भांजी है? नो यूज। सर आप मेरी भांजी को पहले से जानते हैं? हाँ जानता हूँ सर, प्रवचन देख के इम्प्रेस हो गया था। प्रवचन सिखाने को बोला तो मुझे डांट कर भगा दिया। क्या? इन्हें डांटा था तुमने? डांटा था। ये संस्कृति को पैसे से तोल रहे थे। ये क्या बात हुई? पैसा मांगना गलत होता है पर देना कैसे गलत हो सकता है? ठीक है, जो हुआ भूल जा। अब तुझे सर को प्रवचन सिखाने होंगे। सॉरी मामा, आप कुछ भी कहिए, मैं नहीं सिखाऊंगी। तू खड़ा। प्लीज मान जाओ, मैंने फेसबुक पे अपडेट कर दिया है कि मुझे जॉब मिल गई है। आप अपसेट मत करो, अब जॉब का स्टेटस कैसे बदलूंगी मैं? इससे जॉब का क्या लेना देना? एक कॉल से जॉब वापस मिली, दूसरे कॉल से फिर चली जाएगी। एक जॉब जाएगी तो दूसरी आ जाएगी ना मामा। आफ्टर ऑल फंस गया हूँ मैं। जॉब के लिए कहीं भी कॉल करता हूँ, मेरी आवाज सुनते ही अगले ही पल वो लोग फोन काट देते हैं। सर अगर लड़की नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, सर किसी और से सीख लेंगे। सर प्लीज, दो मिनट सर। ऐसे बुरे हालात में अगर मेरी नौकरी गई तो गांव लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ ना। मान जाओ लाडली। ओके। सौंदर्या लहरी, आपने कहा था गेम के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए? हाँ कहा था, अभी बताएंगी। मैं आऊँ क्या? कहाँ आना होगा? हेलो, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं आऊंगी। वाल्मीकि नाम के एक आदमी को आपके पास भेजूंगी, वो आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। ओके। हेलो, हाय, मैं ही हूँ वाल्मीकि। बोलिए। हमारी सौंदर्य ने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आपके वीडियो गेम के बारे में सोच के मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इस स्टोरी लाइन में गेम को जो एक्शन चाहिए उसके साथ में जनता को जो इमोशन चाहिए वो भी है।
स्वस्तिका, सुअस्ति इति स्वस्ति, इसका मतलब है सब शुभ होगा। ये चार रेखाएं आग, हवा, धरती और पानी को दर्शाती हैं, और इसके बीच में जो है वो आकाश को दर्शाता है। That's why I nicknamed this game as स्वस्तिक। स्टोरी ये है, हीरो जब छोटा था तभी उसके परिवार वालों को शैतानों ने मार दिया था। उस वक्त कोई शक्ति हीरो को बचा लेती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है वो चुन चुन के शैतानों को मारता है। सेम ओल्ड रिवेंज स्टोरी। प्रतिकार नहीं, प्रतिज्ञा। सभी विलन्स को लगता है हीरो मर चुका है। अपने साथ हुए हादसे के बारे में हीरो को भी कुछ नहीं पता। उसके बाद अब नहीं लगी ना प्रकृति, पंच महाभूतों की मदद से ही हीरो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। ये सृष्टि में पहले से ही लिखा जा चुका है। जो आप कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। इंसानी दिमाग जो समझ सकता है उसे लॉजिक कहते हैं, और जो नहीं समझ सकता उसे मैजिक कहते हैं। लेकिन हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक होता है। इस धरती पर जो कुछ भी होता है उसकी गवाह ये आंखें होती हैं और सृष्टि होती है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू। इस गेम में चार लेवल्स हैं। इस कहानी में चार विलन्स। एक एक लेवल में एक एक मरता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप पसंद करते हो तो मैं आप जैसा चाहते हैं वैसे इंडियन कैरेक्टर के साथ डेफ्ट में मैं डिजाइन करूंगा। सुपर्ब, फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड सर। थैंक यू। ये कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, ये फिक्स है। वाओ, एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, लवली। इस कॉन्सेप्ट को इंडियन कैरेक्टर्स के साथ डिजाइन करेंगे और हम इंडियंस है ये प्रूव करेंगे। उस आगजनी की घटना में जो बच्चे मरे इसमें दिग्विजय और उनके भाइयों का संबंध है, या आप किस आधार पर कह सकते हैं? इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से इन्हें निर्दोष साबित करते हुए as usual, सुना दिया Your Honor। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। Your Honor, ये दिग्विजय और उसके बच्चों पर अब तक मैंने 15 केस दर्ज किए हैं, सब रद्द कर दिए गए हैं। सेम केस गवाह न होने के कारण। योर ऑनर, टोंड मिल्क माँ के दूध के समान होता है। माँ के दूध में भी मिलावट करके ये लोग धांधले से बच रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची को इनके तीन बच्चों ने मिलकर शोषण किया। जब बच्ची की माँ ने इसका विरोध किया तो उसे भी इन लोगों ने डरा धमका के चुप करा दिया। योर ऑनर। सर, ये कोर्ट है, कोई टीवी डिबेट नहीं है जहाँ कोई मुंह उठाकर आएगा और कुछ भी बोलकर चला जाएगा। ये अनावश्यक टिप्पणी कर करके आपका और इस अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं सर। इन अ वे आई एम वेरी हैप्पी योर ऑनर, जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद गवाह बनता था आज उसकी मौत पर कोई गवाह नहीं है। बड़ा अफसोस है योर ऑनर, पर मैं चाहता हूँ कि डिफेंस लॉर्ड मेरे सवाल का जवाब दे। व्हाट अबाउट डेड बॉडीज? योर ऑनर, अब हम लाशों की राख को सबूत तो मान नहीं सकते ना। अगर सच में वहाँ आगजनी की घटना हुई होती तो आग का टेम्परेचर मैक्सिमम 500 से 600 डिग्री होता। इतने टेम्परेचर में तो सोना भी नहीं पिघलता। योर ऑनर। हे भगवान, इसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? ए, सारे अनाथ बच्चों को छोड़ दो या सबको जिंदा ही जला दो। बच्चे हो या बड़े, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। उन सबके साथ साथ अनाथ बच्चे भी जलकर मर जाने चाहिए। सर, ऐसा अनाथ मार दो सबको। आज अनाथों को कौन पूछता है सर? लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, और कोर्ट को भी आज भगवान बनना होगा। असलियत के बारे में जाने बिना इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए मैं पुलिस को हिदायत देता हूं कि एक महीने के अंदर इस मामले के पर्याप्त सबूत इकट्ठा करें। एक महीने का समय, इसका मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। इतने वक्त में तो मैं कैसे भी गवाह ढूंढ लूंगा। जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस मुहावरे को समझो,
प्रेम से समझा रहा हूँ, समझ जाओ टैगोर। अच्छाई भी कोई चीज होती है यार। ये शब्द इंसान के हैं या एक शैतान की? मैं बताता हूँ, सुनो। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मैं बुरा हूं इसीलिए तो जैसे अच्छों की कद्र होती है, मेरे खिलाफ इतना कुछ करने के बाद भी तू जिंदा है, इसके पीछे भी एक कारण है। आखिर कोई तो होना चाहिए जो मेरे खिलाफ हो। बिना दुश्मनी के साम्राज्य कैसा, पर दुश्मनी की भी एक हद होती है। जीवन मृत्यु एक धर्म है। धर्म से तुम जैसे लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मेरे लिए धर्म गर्व की बात है। मार डालो, कोशिश करो। तो याद रखना दिग्विजय, तुम गवाह को मार नहीं सकते, गवाह तुम्हें मार डालेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जहां कंस होता है वहां कृष्ण भी अवतार लेकर आता है। याद रखना, तुम्हारी मौत अभी जिंदा है, जिंदा है। एक्सीडेंट हो गया विश्वा। This lady just hit my car. Hey, this is my ID. Passport नहीं मिल रहा। I can't help you. तुम कहाँ हो ये बताओ। Sorry, can you talk to Indian Embassy? His name is David, Officer David. Officer David, this is Officer Peter. Okay. Thank you, sir. Thank you. Now listen. Yeah. Go to the embassy. For sure. You bring your new passport. पापा, मुझे पता नहीं आप कैसे करेंगे। एट एनी कॉस्ट वो पासपोर्ट चाहिए। ये लो, नया पासपोर्ट। थैंक यू। थैंक्स। थैंक्स किसके लिए? डेस्टिनी के लिए। अगर तुम्हारा पासपोर्ट खोया नहीं होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू। See guys, Swastik, Saksham and Five. इन तीनों में से एक नाम मैं अपनी गेम के लिए रखना चाहता हूँ। So what do you guys prefer? And my choice is Swastik. सौंदर्या, तुम यहाँ? क्यों? नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आ सकती हूँ। Actually तुम्हें इतना अच्छा concept दिलाने के लिए वाल्मीकि जी को मैं पर्सनली यहाँ पर थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। इसकी क्या जरूरत है? वाल्मीकि के लिए आई है, पर विश्वामित्र के लिए आई है, बताओ। सौंदर्या, तुम मेरे कैबिन में बैठो, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ। हाँ, आप चलिए ना, मैं आता हूँ। आइए, प्लीज कम, आइए ना। शी इज सो ब्यूटीफुल सर, ये तो बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारा पासपोर्ट नहीं खोया होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता। ब्रो, तू तो मास्टर है, जो चाहा वही हुआ। विश्वा। हे सौंदर्या, वापस आ गई? कहीं जाना है क्या? चलो। क्या हो गया? पासपोर्ट जो मेरी गलती से खोया था। ये कहां से मिला? तुम्ही ने गायब कराया और तुम्हें ही नहीं पता। तुम्हारा पासपोर्ट मैंने गायब कराया? क्या कह रही हो तुम? तो फिर ये पासपोर्ट तुम्हारे कैबिन में कैसे आया? तुम्हें कैसे पता नहीं था? नहीं पता। मेरे कैबिन में कैसे आया मुझे नहीं पता। जस्ट शट अप। तुम पर भरोसा किया, मैं सोचकर डर गई थी कि अगर तुम नहीं होते तो मैं बाहर कैसे जाती, पर मुझे नहीं पता था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ही तुम हो। तुम ही ने प्रॉब्लम क्रिएट किया और तुम ही ने सॉल्व भी कर दिया। भरोसा दिलाना, ट्रैप करना, तुम्हारे खून में ही बिजनेस है। मैनिपुलेशन करना तुम जैसे अमीर जादों की फितरत है। विश्वा, मैंने तुम्हारा पीछा किया वरना तुम्हें कई महीने लग जाते मेरा अपॉइंटमेंट लेने में। किसी भी इंसान को देखकर समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान आसानी से बदल जाते। तुमने आज मुझे एक नया प्रवचन सिखाया। थैंक्स। Oh,
इस ड्राइवर ने ही पासपोर्ट वहाँ रखा था सर। तूने रखा था? तेरे पास कहाँ से है? बता बे जल्दी। कल आपकी कार सर्विसिंग के लिए दी थी ना, आपकी कार में जो कुछ भी था उसने से कैबिन में रख दिया था, पासपोर्ट भी उसी में था। सौंदर्य का पासपोर्ट मेरी कार में आया कैसे? थैंक यू। किस लिए? लिफ्ट देने का चांस देने के लिए। क्या हुआ? अरे चलो चलो पुश, थिएटर रेडी करो, कम ऑन क्विक। हेलो बेटी सौंदर्या, मैं मूर्ति अंकल बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? पापा कैसे हैं अभी? डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने तक रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पापा ने एक्सीडेंट के बारे में बताने से मना किया था। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर तुम यहाँ पर आओगे तो अच्छा होगा। ओके अंकल, मैं अभी निकलती हूँ। पापा, बेटी, कैसे बेटी हो पापा? आ गई। दीदी और बच्चे कैसे हैं? वो सब ठीक है पापा। तुम यहाँ क्यों आ गई? दीदी अकेली हो जाएगी, इसीलिए तो तुम्हें अमेरिका भेजा था। पर ये सब हुआ कैसे? ये सब उस दिग्विजय ने करवाया है। ए, चुप कर, ये सब क्यों बोल रहा है? कल तक मैं ये केस जीतूंगा या नहीं इस पर मुझे शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि जीत मेरी ही होगी। अगर मुझे हार नहीं था तो मेरी मौत हो जाती, पर देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात मत कीजिए। रो मत बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अब आप इस शहर में नहीं रहेंगे पापा, हम गांव चले जाएंगे। ऐसे हालात में मैं गांव कैसे जा सकता हूँ बेटी? जाना ही होगा, अगर दिग्विजय को पता चला तो वो फिर से मरवाने की कोशिश करेगा। इस केस को जीतने तक तुम्हें कुछ दिन अपने गांव में जाकर आराम करना चाहिए। मेरी बात मान लीजिए पापा, गांव चले जाते हैं। ठीक है बेटी। हेलो सौंदर्या। हाँ दीदी। पापा की तबीयत कैसी है? सब ठीक है दीदी, स्कूटी से गिर गए थे, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मामा जी कह रहे थे कि गांव जाकर आराम करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, हम भी आ ही रहे हैं, पापा को देखने का मन कर रहा है। नहीं, आपको बच्चों के साथ आने में खामखा तकलीफ होगी दीदी, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। टेक केयर। हमारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी विश्वा, पापा ही सब कुछ है। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही बहुत डर गए थे। विश्वा, सौंदर्य तुम्हें बिना बताए चली गई, इसलिए परेशान हो रही हो। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे ब्रो? सौंदर्य को सॉरी बोलूंगा। बट वो इंडिया से वापस नहीं आने वाली। अगर वो नहीं आएगी तो हमें इंडिया जाना होगा। इंडिया? तेरे डैडी नहीं मानने वाले? हम उनसे कहेंगे दुबई जा रहे हैं। पर कुछ दिन पहले तो दुबई गए थे ना हम। वीडियो गेम का रीशूट है कहेंगे। ओहो, पर यार तेरे डैड को बिना बताए इंडिया जाना थोड़ा सा रिस्की है। इंडिया जाना तेरे लिए खतरनाक है यार। अरे हमारे देश में हमें कैसा डर। बोल छोटे, बच्चे मिल गए क्या? मिलेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? दुनिया की नजरों में हमने उन्हें बहुत पहले मार दिया था। सोचा था अनाथों को कौन पूछेगा, लेकिन यह टैगोर का बच्चा हाथ धो के पीछे पड़ गया है। प्रेस वाले बीच बीच में बवाल खड़ा कर रहे हैं, जरा संभल के। उनकी आखिरी सांसों तक तुम वहीं रुकना। अगर कोई भागने की कोशिश करें तो लाशों के साथ गवाहों को भी मिट्टी में मिला देना। ओके भाई। भैया, ये दोनों बच्चे भाग रहे थे भाई। क्यों बे, भाग रहा था क्या? इस मिट्टी में जीना पसंद नहीं है तुझे?
तो फिर एक खेल खेलते हैं, जिंदगी का खेल। तुम भागने की कोशिश करना और मैं मारने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अगर तुम भाग पाए तो जीत जाओगे, अगर मैं मारूंगा तो मैं जीतूंगा। ये खेल सभी देखेंगे, हाँ? खेल शुरू करें। देखा तुम सबने, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी आंखों में इनकी मौत का खौफ जिंदा रहना चाहिए। अगर दिल में भागने का ख्याल भी आया तो सबको इसी जमीन में दफन कर दूंगा। ये कह रहे हो, काम करो। सुना है जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान आप हमें बचाओ ना। ऊपर से किसे बुला रहा है तू? क्या वो भगवान आकर तुझे बचाएगा? भगवान नीचे आएगा? हे भगवान, सुन रहा है तू? आ जा। What can I do for you? लीजिए, बात कर लीजिए मोथियम से। मोथियम, फोन के अंदर कैसे चला गया? वो मेरे दोस्त हैं चाचा जी, शूटिंग लोकेशन के लिए हमारे गांव में आए हैं। कुछ दिन घर पे ही रुकेंगे, उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। तेरी आवाज कुछ अजीब सी आ रही है, आवाज तो ठीक है ना? पार्टी में चला गया। ठीक है, ये लो बेटा। ओके मोथियम जी, थैंक यू। वैसे आप यहाँ पर क्या घुमा रहे थे? घुमा कर टीवी का एंटीना सेट कर रहा था। वैसे सिनेमा का नाम क्या रखा है? गुमनाम इतिहास। अच्छा, शीला की जवानी रखना था ना? चीची, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आओ, घुमा रहा है। ये सपना है या सच? ये तो सच है। ये है हमारा औषधालय। औषधालय मतलब मेडिकल शॉप, राइट? समझ गया, थोड़ा आराम से समझाता हूँ। ये देखो, ये जो वहाँ खड़ी है वो मेरी बहन है। हेलो। वो जो वहाँ खड़े हैं वो मेरे भैया है, और वो उसका परिवार। ये मेरी बीवी है, असल में इसका नाम पांचाली है, मगर मैं प्यार से पंचम कहता हूँ। वो जो करेले जैसी दिखती है वो मेरी माँ है। बात कड़वी करती है पर मन उसका मीठा है। वो हमारे बड़े चाचा टैगोर जी है, इरादे से सख्त, बहुत भले इंसान है। सर, वो लड़की? वो सौंदर्य लहारे है, हमारे चाचा की बेटी, प्रवचन सुनाती है। अब तक आपके हार्ड डिस्क में बात एंटर हुई नहीं क्या? अब समझने वाली बात ये है कि ये दोनों लड़के मुतियम के अमेरिका वाले दोस्त हैं। ये लोग कुछ दिन यहीं रहेंगे। यहाँ रहोगे? हाँ, बताया ना, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए। आप इनसे बात कर सकती हैं। दादी जी, कैसी हैं आप? अरे 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 बेटा, कैसे हो तुम? पहले तो बहुत काले दिखते थे, अभी तो चिकने दिख रहे हो तुम। ऐसे है ना दादी जी? अमेरिका? इन चोरों को तुमने भेजा है क्या? हाँ दादी जी, ये मेरी
पहचान वाले लोग हैं, दो तीन दिन हमारे घर में रुकेंगे फिर चले जाएंगे। यहाँ पे क्यों जीजू? बेचारों को नई जगह पर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी ना, ऊपर से यहाँ तो एसी भी नहीं है, होटल में ही रह लेंगे है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। कैसी बात कर रही हो बेटी, ये तुम्हारे जीजा के दोस्त हैं, अगर ये होटल में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बेटी। बिल्कुल सही। भाई साहब जरा बाकी लोगों से भी बात कीजिए ना। ये बात कीजिए इनसे। हीरो के मर्डर वाला ट्रैक मैंने रेडी कर दिया है, फाइनल वर्जन रेडी होते ही आपको सेंड करता हूँ। ठीक है वाल्मीकि जी, मैं चेक करता हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा, तू इंडिया आया है अपने प्यार के लिए, तो ये वीडियो गेम क्यों यार? मैं तेरे डैड को और मैनेज नहीं कर सकता हूँ यार। क्या हुआ? अरे सौंदर्या को आई लव यू बोलते हम वापस अमेरिका चलते हैं ना यार। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, प्रपोज नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करना, एक काम कर, मैं सौंदर्या हूँ मुझे बोल दे। तुझे? अच्छा ठीक है, ये फोन है, इसको सौंदर्या समझ के अपनी सारी दिल की बात इसको बोल दे। चल 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 जल्दी से उठ जा, बोल दे कम ऑन कम ऑन फास्ट। हाँ तू आ खड़ा हो जा, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रेडी? हाँ। रोलिंग एक्शन। सौंदर्या, इन अकॉर्डेंस टू माई लव टुवर्ड्स यू, आई वुड लाइक टू हैव अ लाइफ टाइम एग्रीमेंट विद यू। चीची, ये कोई बिजनेस डील है क्या? लव है यार, थोड़ा प्यार से बोल भाई। देख मैं कैसे करता हूँ। सौंदर्या मेरे दिल का गुलाब, तुम्हारे प्यार में मुरझासा गया है, अपने होठों के पानी से इसे जिंदा कर दो ना। मैं ही ट्राई करता हूँ, रुक। ओके ओके वन मिनट। सौंदर्या आई लव यू, तुम्हें सॉरी कहने के लिए सात समंदर पार करके आया हूँ, तुम्हारे प्यार को जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा विश्वा सौंदर्या। वाह मेरे दीवाने आशिक, इसे कहते हैं प्योर लव। इससे तुम्हें परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ? डैडी का मैसेज था, उनका मैसेज मैंने उनको वापस भेज दिया। कुछ दिन पहले दिग्विजय अनाथालय गया था, वहाँ के बच्चों को वो 1,00,000 रुपए में खरीदना चाहता था, जिसके लिए उसने वार्डन से बात भी की थी, पर वो माना नहीं। ये सारी बातें इस डायरी में है, उसने अपने हाथों से ही लिखा है। उस राक्षस को विनाश करने के लिए इतने सबूत काफी हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हमें न्याय जरूर मिलेगा। थैंक यू सर, कभी उसी अनाथालय में मुझे शरण मिली थी, उन अनाथ बच्चों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। हेलो सर, बोलिए। उस दिग्विजय के केस से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस मिले हैं मुझे। अच्छा, अगर तुमने ये सबूत कोर्ट में जज के सामने रख दिए तो दिग्विजय 100% जेल के अंदर होगा। मतलब टैगोर अभी जिंदा है? मैं उसे जिंदा काट दूंगा। भैया। अच्छा हुआ तू आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ, दस्तखत कर दे। ओ पैड चाहिए क्या? वीरा स्वामी, इस मस्तान का भी वक्त एक दिन जरूर आएगा। एक मरने का दिन सबका आता है, चल। पहले किसका आएगा देखते हैं, चल रहे। सर, मैं लॉयर पुल्लू राव बोल रहा हूँ। बोल। आपने तो कहा था टैगोर मर गया है, मगर वो जिंदा है। क्या बोल रहा है तू? दिग्विजय के केस से संबंधित डिटेल्स इस डायरी में है, इसे संभाल कर मूर्ति अंकल को दे देना। जरा संभाल कर जाना बेटी। हाँ। साहब कहाँ जा रहे हो? सौंदर्या कहाँ? मैम साहब मूर्ति साहब के पास गई है जी। बड़ी बड़ी, आपकी नाक कितनी प्यारी है। बड़ी, वो आपको बुला रहे हैं। रोजी बुलाता है। लेवल वन ओवर, लेवल टू इंटर, ऑल द बेस्ट फॉर योर लेवल वन। हाँ आ रहा हूँ मैं। भैया मेरी पतंग निकाल के दो ना, मेरी पतंग दो ना। रो मत बेटी, वो पवन पुत्र चाहेंगे तो झट से तुम्हारी पतंग नीचे आ जाएगी, समय का इंतजार करो।
अंकल। बोलो बेटी। मैं मंदिर के पास आ गई हूँ। सॉरी बेटा, मेरी कार यहाँ पंचर हो गई है। हेलो हेलो, यहाँ पर बड़ी जोर की आंधी चल रही है, कोई ऑटो वाला भी नजर नहीं आ रहा, क्या करूँ? पर इस वक्त आप कहाँ हैं अंकल? विजय दुर्गा स्कूल के पास हूँ बेटा। ठीक है, फिर मैं वहीं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। ओके। ये कौन सी आंधी की बात कर रहे हैं? जा रही हूँ, तुम सीधा वहीं पहुँचो। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं आता हूँ। जल्दी चलाओ, घुमा 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 घुमा, तेज चला और तेज चला। सबूत मिलने पर क्या उखाड़ लेगा तेरा बाप? तुझे यही काट दूंगा, फिर तेरी लाश लेने उसे भी यहाँ आना पड़ेगा, उसे भी तेरे साथ काट दूंगा। कौन है बेतू? बॉस, लोग मुझे वीडियो गेम मेकर बुलाते हैं। मुझे एक्शन गेम्स और तेरे जैसे गुंडे बहुत पसंद है। वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ एक बेचारी लड़की के पीछे इतने सारे गुंडे, बैलेंस मिसिंग है बॉस। मतलब तू बचाएगा क्या इसे? क्या बात है, इतनी हिम्मत तो एक आशिक ही कर सकता है, यानी कि एक लवर। थैंक यू बॉस, हम दोनों का रिश्ता वही है जो तूने अभी बोला, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सच कहूं तो बिजनेस, गेम्स, गोल्स, आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि लव लाइफ का डिजाइन ही पूरी तरह से उल्टा पुल्टा हो गया है बॉस। इंसान को मरने के बाद जान की कीमत पता चलती है, लेकिन ये मुझे छोड़ गई तो मैं जीते जी मर गया। अब तो यही बताएगी मुझसे प्यार करती है कि नहीं, लेकिन इस पर नजर डाल के तुमने बुरा किया।
ये हमें वार्निंग दे रहा है या उसे प्रपोज कर रहा है? क्या बात है, हमारे एक्शन गेम को अपने लव गेम में बदल दिया तूने, या फिर ये तेरा बैड लक है? जिस दिन तेरे प्यार ने जन्म लिया उसी दिन तेरे लवर की मौत होने वाली है, ये तो तूने सोचा भी नहीं होगा ना? आपका प्यार अमर रहे। गेम रियल हो या वर्चुअल हो, उसे जीतना मेरी कमजोरी है। लेट्स स्टार्ट द रियल गेम। हिम्मत है तो इसे बचा के दिखा। छुपाया है हमारे खिलाफ सबूत? नहीं बताएगी तो तेरे लवर को तेरे सामने मार दूंगा। उस दिन तेरा बाप गलती से मेरे हाथों से बच गया था। बोल। सर, फर्स्ट स्टेप एक्शन मैंने हवा में प्लान किया है, बहुत अच्छा सेट हो गया है, एक बार आप देख लीजिए।
सर, आपने वीडियो देखा? पंच तत्व ही विलन्स का मर्डर करेंगे, इस गेम का कॉन्सेप्ट ही यही है। इस मर्डर को मैंने हवा में प्लान किया है। हवा को हम विजुलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए विंडमिल से हैंग करके उसका मर्डर करवाया सर। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके सर। विश्वा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो मरा है वो पता है कौन है? जब इंसान की मौत होती है तो हम रोते हैं, लेकिन वो ऐसी गंदी नाली का कीड़ा था जिसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। उसका मरना तो हमारे लिए खुशी की बात है। उसने बीच चौराहे पर मेरी बेटी को मार डाला। असल में क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीरा का शेख मस्तान के साथ झगड़ा था, उसकी वजह से ये हो सकता है। देखा ना, तुमने इस गांव को एक शैतान से आजाद कराया है। इन हाथों से किसी की जान लूंगा ये सोचा भी नहीं था। पर तुमने उसे जानबूझकर नहीं मारा, उसके पापों का घड़ा भर गया था। नियति को कोई नहीं बदल सकता। उन्हें सजा दिलाने के लिए 10 साल से मेरे पिताजी कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे पिताजी को मारने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। जो हुआ सो हुआ। तुम्हारा यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे बारे में बात करके तुम जल्दी से यूएस चले जाओ। मैं भी अपने पिताजी को लेकर यूएस ही आ जाऊंगी। तुम कल ही चले जाओ प्लीज, मेरे लिए। होश आया क्या? नहीं मैडम, कितनी बार उठाया लेकिन नहीं उठ रहा मैडम। हेलो हेलो, इसका कोई जान पहचान वाला आया क्या? मैडम, अगर कोई आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके मैडम। इस चिता की आखिरी लकड़ी जलने से पहले मुझे मस्तान की जलती हुई चिता देखनी है। मेरे भाई को क्यों मारा तूने? तुम्हारे भाई और मेरे बीच में झगड़ा जरूर था, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। याद रख, मारने वाला झूठ बोल सकता है, लेकिन मरने वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरे भाई की चिता जलने से पहले मैं तेरी लाश की राख देखना चाहता हूँ। हेलो डिक्की लोना। हेलो डैडी। क्यों रे, तेरी दुबई की ट्रिप अच्छी है ना? सुपर। तू वहाँ चला गया ना, बुरा कैसे हो सकता है? अभी कहाँ पर है? मैं अभी दुबई एयरपोर्ट पे चेक इन कर रहा हूँ डैडी। भूख लग रही थी तो हैदराबाद बिरयानी खाने। क्या कहा? शोरमा खाया, ऐसा कह रहा हूँ डैडी। वैसे दुबई डैडी का डुप्लीकेट है क्या? डैडी, आपका एक डुप्लीकेट अभी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे यहाँ इंडिया में भी ना, तेरा कोई हमशक्ल मेरे सामने खड़ा है। वैसे डैडी, हमारे दादाजी सच में बड़े मर्द आदमी थे। तेरे दादाजी तो मर्द थे बेटा, लेकिन तू एक नंबर का लफंगा है। डैडी एक मिनट, कोई तो मिलने आया है। फोन से बाहर कैसे आ गए, मतलब इंडिया कैसे आ गए? अभी आया। और अंकल आंटी यहाँ है वो देखा गए। अंकल आप दुबई कैसे आ गए? मतलब इंडिया कैसे है? आ गए? विश्वामित्र तो कहां वो है मैं तुम्हारे डैडी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? मेरे डैडी, अरे दिखने में वो बहुत सख्त हैं, लेकिन अंदर से नरम है। बिजनेस में भी मुझे ही फॉलो करते हैं, प्रोजेक्ट मैं अप्रूव करूंगा तो ही वो करते हैं। अच्छा डैडी तो ठीक है, पर मम्मी को भी तो मनाना होगा ना? मम्मी ना किचन कॉकरोच है, खाना बनाने के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। मेरी शादी में कैटरिंग कौन कर रहा है ये पूछेंगी, लेकिन लड़की कौन है इसके बारे में नहीं पूछेंगी। अवॉइड करो ना।
जस्ट अ मिनट. हेलो. हाँ ज्योति. हेलो मम्मी डैडी. आप दुबई कब आए? दुबई नहीं, ये इंडिया है. वो डैडी, वो जिसे अभी तुम नरम गरम कह रहे थे ना, वो मैं ही हूँ. पहचाना नहीं क्या? मम्मी वो किचन कॉकरोच. अवॉइड हर. मम्मी डैडी, असल में इंडिया में इसलिए आया हूँ ताकि सॉरी कहने के लिए. आपको कैसे पता? ऐसे. ये तो मैंने आपको सौंदर्या, आई लव यू, सॉरी कहने के लिए सात समंदर पार आया हूँ. बाय मिस्टेक, ये डैडी को भेज दिया मैंने. बाय मिस्टेक, मैंने सेव कर लिया. तुम्हारे प्यार को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा. इश्वा, ये वीडियो देखो, देखो ना. Excuse me, can we please have some privacy? ये मेरे मम्मी पापा हैं. वैसी. सॉरी. आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को सॉरी नहीं कहती हैं. हमें तो डर था कि ये कहीं किसी गोरी मैम को घर न ले आए. लेकिन ये तो एक हिंदुस्तानी और संस्कारी लड़की है, और क्या चाहिए हमें. बेटी, हम यहाँ पर इनसे मिलने नहीं, तुमसे हाँ. मिलने आए हैं. तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर मुहूर्त जो निकालना है. अगर इंसान सच्चा प्यार करता है तो प्यार में कितने भी झूठ भगवान माफ कर देता है. मेरी बेटी ने प्यार किया मतलब आपके बेटे के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है. मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है. चालाक है तू. मेरे पास जायदाद है, पैसे हैं, पर मेरी असली विरासत और कमाई मेरा बेटा ही है. आपका सब कुछ तो बेटा ही है, लेकिन आपके पास जायदाद कितनी है? हम लड़की वाले हैं तो इतना तो पूछना ही चाहिए ना हमें. क्यों? इनका मतलब ये था. मेरे पास जो भी है उसमें से एक पैसा भी मैंने गलत तरीके से नहीं कमाया है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ. आपका तो ठीक है, आपका बेटा कितना कमाता है? सासू जी, मेरी बेटी ने प्यार किया, उससे ज्यादा और क्या चाहिए. आप कुछ भी कहिए, आप जैसे बड़े आदमी हमारी लड़की का हाथ मांग रहे हैं, आश्चर्य वाली बात है. हमारे घर में लक्ष्मी है, आपके घर में सरस्वती है. अगर ये एक हो जाए तो इनके जो बच्चे होंगे उन्हें और क्या चाहिए इस दुनिया में. शिव प्रकाश जी, ये रिश्ता हम सभी को पसंद है. कोई अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई करवा देते हैं. लेकिन शादी तो अमेरिका में ही होगी, आप सभी को वहाँ आना होगा पूरे परिवार के साथ. आप तो अमीर आदमी हो, आपको किस बात की फिक्र है? लेकिन मेरा टिकट कौन लेगा? आप सभी के लिए स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम कर दूंगा. बस ये बता दीजिए आप कितने लोग आने वाले हैं, हम चलते हैं. अच्छा है, चलो. अच्छा है. सौंदर्या, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. माही, आर यू हैप्पी? इतनी अच्छी जगह रिश्ता जो तय हो गया. ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है. मुझे पता था कि हमें संस्कारी बहू ही मिलेगी. सुनिए, हम कई सालों के बाद इंडिया आए हैं, दोबारा कब आएंगे पता नहीं. विश्वा को एक बार काशी लेकर चले तो कैसा रहेगा? बिल्कुल चलते हैं. आशीर्वाद लो बेटा. दीर्घायुष्मान भव. प्रणाम. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः. हेलो बेटा, बाहर जाके बात करो मंदिर में. सॉरी गुरुजी, आपको याद है या नहीं पता नहीं, 20 साल पहले आपने जिस बच्चे को नाम देकर हमारी गोद में सौंपा था, वो बच्चा यही है. ओ शिवपुत्र, कल सोमवार का दिन एक अच्छा दिन है. लड़के को गंगा स्नान कराई, सारी बुरी नजर उतर जाएगी. हाय विश्वा, क्या कर रहे हो? पवित्र गंगा नदी के किनारे आरती का इंतजार कर रहा हूँ. अच्छा, हाँ. गंगा आरती? तुम कितने लकी हो विश्वा. क्यों, तुम भी दर्शन करना चाहती हो क्या? कब से? तो फिर तुम्हें अभी इसी वक्त गंगा आरती के दर्शन करवाता हूँ, तैयार हो जाओ. अच्छा, कैसे?
पहले तुम वीआर सेट लगा लो। आरती के दर्शन हो रहे? हाँ, ऐसा लग रहा है मैं सच में वही हूँ। और करीब से देखने का मन कर रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ वाल्मीकि जी। हाँ, सेकंड एपिसोड डिजाइन कर लिया है मैंने, फाइल थोड़ी बड़ी है इसलिए मेल किया है मैंने आपको। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओके सर। सर, हमारे सेकंड एपिसोड को एडवेंचरस बनाने के लिए मैंने फायर एलिमेंट को फाइनलाइज किया है, तो उसके लिए इंडिया में सही लोकेशन कहाँ हो सकती है? बहुत सोचने के बाद लगा कि काशी सही जगह होगी। बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मम्मी, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मम्मी, मैं गंगा स्नान नहीं करना चाहता। क्या कहा? काशी आकर गंगा स्नान किए बगैर कैसे जा सकते हैं बेटा? पाप लगेगा पाप। मम्मी, मुझे बहस नहीं करनी है, मैं बस यहाँ से जल्दी जाना चाहता हूँ। क्यों? विश्वा, आर यू ऑल राइट? नो पापा, आई एम सो रेस्टलेस। ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? पुजारी जी ने कहा था ना, नजर लग गई है इसे, गंगा में डुबकी लगाएगा तो ठीक हो जाएगा। मम्मी, चल चल, जो कहा है वो कर बेटा। ओके, आओ ना बेटा। बताओ। अरे गाड़ी ठोक, गाड़ी को क्यों ठोका? पता, देख के नहीं चला, पूरा डैमेज कर दिया। देखो पूरा डैमेज कर दिया, इसकी भरपाई कौन देगा? मेरे ड्राइवर पे हाथ, भाई की अस्थि विसर्जन करने आए हो, अपवित्र हाथों से अस्थि विसर्जन करोगे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, छोड़ दो इसे। वो देखिए आ गया। विश्वा, आना, क्या सोच रहा है? टाइम हो रहा है, आ जा। अरे भाई वोट को रोक ले, दिए बुझ जाएंगे। अरे रोक ले। अरे ना, विश्वा क्या कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ। क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं नहीं आऊंगा, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप जाकर आइए। तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? सुनो बेटा, आप घबराइए मत, शिव जी के दर्शन के लिए जबरदस्ती नहीं की जाती। बेटा, थैले में से अस्थि कलश निकाल कर लाओ। पंडित जी, यहाँ दो अस्थि कलश हैं, कौन सी लेकर आऊं? जिसमें लाल कपड़ा बंधा हुआ है वो लेकर आओ। दूसरी अस्थियाँ किसकी है? हमारे गांव के एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियाँ गंगा में बहा दी जाए। क्यों पंडित जी, आप काशी पहुंच गए क्या? ठाकुर साहब के परिवार की अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो गई। मेरे शरीर ने जहां तक मेरा साथ दिया वहां तक मैंने उन अस्थियों को विसर्जित किया, केवल गंगा नदी में ही प्रवाहित नहीं कर पाया। ठीक है पंडित जी, उन लोगों से जरा बचकर ही रहिएगा। भाई, इस पंडित ने हमें धोखा दिया। भाई,
ये अस्थियां ठाकुर साहब के फैमिली की है। जजमान, ये अस्थियां हमारे गांव के ठाकुर साहब की हैं। वो बड़े भले इंसान थे साहब। ब्रह्म हत्या महापाप है, तुझे पता नहीं? काशी जैसे महापुण्य स्थान में तेरा पाप तुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान शिव की दोनों आंखों के बीच जो तीसरी आंख है वो तुझे देख रही है। वो अगर एक बार खुल गई तो इस गंगा में प्रवाहित करने के लिए तेरी राख भी नहीं मिलेगी। बड़ा घमंड है तुझे सन्यासी, मुझसे बचाने के लिए तुझे खुद तेरे शिव को आना पड़ेगा। कहाँ है तेरा भगवान? सदियों से यही होता रहा है, एक अटूट बंधन ही हम इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है। मेरी आयु 100 साल है, मेरी बाकी की उम्र तुम्हें लग जाए। ओम नमः शिवाय। ये क्या किया इसने? मुझ पर आघात किया है। मेरे खून की एक एक बूंद का हिसाब अब इसे देना पड़ेगा। मुझे क्यों मारा? वो स्वामी जी, देखिए मेरी बात सुनिए। आज तुझे मार दूंगा मैं। कहा है
अग्नि पुनीतम, भक्ति पुनीतम। सांस लेने के लिए हवा ना मिले तो ये जान ले लेती है और पापी लोगों को अग्नि राख कर देती है। पर पापी धरती पर अभी भी जीवित हैं। उन सब की मौत का कारण सिर्फ तुम बनोगे। तेरे हाथ की लकीरें उनके माथे की लकीर मिटा देंगी। यहाँ जल रही चिताएं इस बात की गवाह हैं। मैं अपने दिव्य नेत्रों से सब कुछ देख रहा हूँ। पंच तत्व का ये स्थान, ये शमशान तुम्हारा साथ देगा और यही धर्म है। यहाँ पर लाशें नहीं जल रही बल्कि उनके कर्म है। हर हर महादेव। शिवम 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 शिवम। साहब मुझे छोड़ दीजिए। साहब मुझे माफ कीजिए। भाई को अपने साथ लेकर गया था और उनकी अस्थियां लेकर आया है। कौन है वो? मेरे भाई को किसने मारा बता। साहब मैं जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ वो कौन है सच में मुझे पता नहीं है। साहब मुझे छोड़ दीजिए, इसको रोकिए। साहब मैं उसे नहीं जानता। साहब छोड़ दो उसे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और ये सब कुछ हमारी पीठ के पीछे हो रहा है। हमारी कमजोरी यह है कि हमें खुद नहीं पता कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है। कौन है? दिग्विजय, गुरुजी की बात तुम्हें अच्छे से याद है ना? उन्होंने कहा था तुम्हें कि बुरा समय आएगा, तुमने सुना नहीं। पता नहीं कहां कहां से लोग अस्थियां बहाने काशी आते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई की अस्थियां काशी से यहां आई हैं। एक भाई की चिता अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी और छोटे भाई की मौत हो गई। इससे बुरा और क्या हो सकता है? मेरी बात मानो, एक बार गुरुजी से मिलते हैं। खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का। तुम्हारा क्या था जो लुटने का गम मना रहे हो? गुरुजी से मिलने का इंतजाम किया जाए। तुम्हारे दोनों भाइयों की कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि उन दोनों के मौत का तरीका एक जैसा ही होगा। समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। दोनों को मारने वाला एक ही है। ये क्या गुरुजी, बड़े के हत्यारे को मैंने जिंदा चला दिया, वो काशी कैसे चला गया? उसकी आत्मा ने मेरे भाई को मारा। मारने वाला कोई आत्मा नहीं है दिग्विजय, परमात्मा है। उसकी हत्या हुई ऐसा तुम्हें लगता है, पर पाप करने वाले की जान निकलने तक उसका पाप जिंदा ही रहता है। बोला था, तुमने सुना नहीं। शास्त्रों पे तुम्हें विश्वास नहीं है, फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे गुनाहों का डर तुम्हें यहाँ खींच कर लाया है। मेरा कहना अगर सच है तो तुम दोनों की भी मौत उसी कुंडली वाले के हाथों से होगी, ये जान लो। प्रायश्चित नहीं होने तक पंच तत्व शांत नहीं होता दिग्विजय, ये सत्य है। इस पाखंडी के पास क्यों लाया? भाई का गुस्सा नहीं जानता। hey, तू चुप कर दिग्विजय। एक बार मेरी बात मान लो, पंच तत्वों के लिए हवन कराते हैं। उस मस्तान की बीवी को उठा के लाओ। भाईजान, आपके भाई और मेरे शोहर के बीच झगड़ा जरूर था, लेकिन मेरे शोहर ने उनको नहीं मारा। बच्चों की कसम, असल में उस दिन वो गांव में ही नहीं थे, दुबई में थे।
आप कहो तो उसका पासपोर्ट भी दिखाती हूँ मैं। गुरुजी ने जो कहा वो सत्य है, बड़े को मस्तान ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? बड़े को जिसने मारा उसी ने छोटे को भी मारा। कौन है वो? हम दोनों को भी वही मारेगा। कौन है वो? कौन है वो? वहां पर वाल्मीकि जो भी सोच रहा है वो मेरी लाइफ में सच हो रहा है। कैसे? पहले को हवा में लटका दिया, दूसरे को अग्नि में जला दिया, कल क्या होगा पता नहीं। उस अघोरी ने मुझे साफ शब्दों में बताया है कि उनकी मौत मेरे हाथों की लकीर में लिखी है, लेकिन मेरे हाथों में लकीर ही नहीं। अरे बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। हर चीज के बारे में अगर इतना सोचेगा तो अपनी लाइफ को तू जिएगा कैसे? वैसे भी वाल्मीकि का कॉन्सेप्ट इंडिया में सच हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम इंडिया में रहने से है। दो दिन में तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी, उसके बाद हम अमेरिका चले जाएंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। दिग्विजय जी अपने भाइयों की मौत से बहुत दुखी हैं। सर नमस्ते। उनके भाई की आखिरी इच्छा थी, भाई से जो डील करनी थी वो हमें अभी करनी होगी। नमस्ते राजा। भाई कहाँ हैं? ऊपर है भाई, आइए इस तरफ। क्यों सर, आपको वास्तु पर विश्वास नहीं है? यहाँ का वास्तु ठीक नहीं लग रहा। सीमेंट और कारे से बनाए हुए घर को वास्तु की जरूरत होती है, लाशों से बने महल को नहीं। सर हमारे दिग्विजय जी अपने मन में कुछ भी नहीं छुपाते हैं, सत्यमेव जयते, सब ओपनली बोलते हैं, समझे? बोलिए। हमारे देश से 3 समुद्र निकलते हैं, पर फिर भी हमारे देश के 75% इलाकों में आज भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है और सब इससे परेशान है। इस खारे पानी को पीने लायक बनाना ही हमारा प्रोजेक्ट है। मैं आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, देखिए। दिस इज कॉल्ड सी सैलिनेशन प्लान। समुद्र का पानी पीने लायक बनाने के लिए बनने वाले वाटर प्लांट का ब्लूप्रिंट है ये। मतलब एक दिन में 1,000 करोड़ लीटर को अच्छे पानी में बदलने का प्लांट है ये, जिसकी वैल्यू मिनिमम 20,000 करोड़ है। ये इंडिया का ही नहीं एशिया का ग्रेट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को कम खर्चे में बिल्ड करने के पेटेंट राइट्स शिव प्रकाश सुसरला के पास हैं। शिव प्रकाश सुसरला, ये कौन है? NRI है सर, न्यूयॉर्क में रहते हैं। अमेरिका में रहने वाले सारे हिंदुस्तानियों में इनका बहुत नाम है सर। 50-50 पार्टनरशिप में इन्फ्लुएंस करके इन्हें राजी कर लिया सर। मेरी तरफ से ओके है। दिग्विजय जी ये इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम क्या है सर? प्लांट से निकलने वाले वेस्ट केमिकल पोल्यूशन इज वेरी वेरी डेंजरस। अगर हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने का सोचा है तो यहाँ की जनता का साथ हमें पूरा पूरा मिलेगा, तभी संभव है। लेकिन आम लोगों को जरा भी तकलीफ हुई तो ये शिव प्रसाद से जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा, वो डील कैंसिल कर देंगे। जनता को मैं संभाल लूंगा, शिव प्रकाश के साइन चाहिए, बस इतना ही ना। कलम नहीं उसके खून से साइन करवाएंगे भैया। सुसरला शिव प्रकाश जी हैदराबाद अपने पर्सनल काम से आए हैं, अगर हम अभी उनसे मिल लें तो ये डील अभी हो सकती है सर। ओके चलते हैं। अरे आनंद, आनंद कहाँ चले गए थे? और ये चोट कैसे लगी? हाँ चोट कैसे लगी भाई? अंदर है क्या? बाहर गए हैं। कहाँ गए? होटल गए हैं वो।
अपनों से बड़ों के आने पर खड़े हो जाते हैं, यह संस्कार है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो उनकी इजाजत के बिना बैठना संस्कार नहीं होता। सर, इस मिजाज से हमारा काम खराब हो सकता है। सर, काम होने तक अपना गुस्सा ठंडा रखिए प्लीज। बेटा, तुम तो भले आदमी लगते हो, वैसे तुम सुसरला जी के कौन हो? मैंने बताया था नमस्ते। ना, मेरे बॉस सुसरला जी आए। ऐसा लग रहा है रिजर्व बैंक खुद ही चलकर आ रहा है। सर, मैंने आपको फोन पर बताया था ना, यही है दिग्विजय जी और यह है शिव प्रकाश जी। नमस्कार सुसरला। मेरा बेटा दिग्विजय जी, बैठिए ना सर। नमस्ते। सर 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 सर, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं सर? एक मिनट सर, सुनिए तो सही, आप अंदर नहीं जा सकते। हाथ छोड़ो। नो, आप अंदर नहीं जा सकते। You are not allowed. अभी अंदर मीटिंग चल रही है। अब मेरे साथ बिजनेस करने वाला हर इंसान खुद को नसीब वाला समझता है, और मेरे साथ बिजनेस करके आपको भी अच्छा महसूस होगा, तो डील पक्की ना? ये डील मेरे लिए ओके है, इतना काफी नहीं है। आप जिस गांव में फैक्ट्री डालना चाहते हैं, उस गांव के लोगों के लिए भी ओके होना चाहिए। जनता की टेंशन नहीं, हमारा आदेश पत्थर की लकीर है। सिर्फ आपके कहने से मैं हाँ नहीं कह सकता, वहाँ के लोगों को भी हाँ कहना होगा। हाँ सर, सर इंडिया में ही है, मीटिंग होने के बाद बात करवाता हूँ। मुझे जाना है। ए छोड़ो, तुम कौन हो भाई? घायल बिल्ली की तरह दिख रहे हो। मैं दिग्विजय जी का आदमी हूँ। दिग्विजय के आदमी हो? सर मीटिंग में है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे भाई को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ नहीं हो सकता, बाद में आओ। अरे ये थोड़ा पागल लग रहा है, इसे बाहर भेजो। सुनिए मेरी बात, भेजो जल्दी भाई। ओके, मैं कल की मीटिंग में आपका इंतजार करूंगा। ओके, कल मेरे बेटे की सगाई है। Shall we plan after that? भाई से मिलना है सर, प्लीज आई डोंट अंडरस्टैंड। चलता हूं। ओके ओके, उम्मीद करते हैं कल मुलाकात होगी। अच्छा बेटा, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते भाई। भाई भाई भाई, सर सर सर, प्लीज प्लीज यहां से चलिए सर। भाई सर प्लीज सर, छोड़ो सर। अरे आनंद, ये चोट कैसे आई? तुम कहां चले गए थे? अब है पता कौन है वो और कैसा दिखता है? यानी ये सब उस टैगोर की बेटी के बॉयफ्रेंड ने किया। हेलो अंकल, सौंदर्य आने वाली थी, अब तक आई नहीं। क्या कह रहे हो बेटा, वो तो सुबह ही चली गई थी मंदिर से, वो डायरेक्ट तुम्हारे पास आने वाली थी। अभी तक आई नहीं, फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा। फोन नहीं लग रहा है तो वो कहाँ गई होगी? आप परेशान मत होइए अंकल, ट्रैफिक में कहीं फंस गई होगी। आए तो मुझे फोन करवाना। ठीक है, करवाऊंगा अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। हेलो प्रियंका, वाल्मीकि को फोन नहीं लग रहा है, कहाँ है? हो सकता है वो फ्लाइट में हो सर, कोई बात है क्या? हमारा तीसरा एपिसोड रेडी हुआ? हाँ, फाइनलाइज हो गया है। मुझे मेल सेंड करो। हाँ सर, अभी सेंड करती हूँ। लेवल 3, ये लेवल मंदिर से शुरू होगा। उस मंदिर में आई हुई हीरोइन को विलन्स किडनैप कर लेते हैं। जहाँ दुर्गा जी की मूर्ति है, उस माइंस के पास विलन हीरोइन को लेके जाते हैं। वहाँ पर विलन्स हीरोइन के साथ क्रूरता से पेश आते हैं। तब Ugh.
है छोटू, क्या हुआ तुझे? बचाओ हमें भैया। इन्हीं अनाथ बच्चों के लिए तेरे बाप ने केस किया था। जी, तुम इंसान हो या जानवर, बच्चों पर अत्याचार करना परमेश्वर पर अत्याचार करने के बराबर है। इन बच्चों का कोई बंधन नहीं है। ऐसे अनाथ बच्चे भगवान के सम्मान हैं। ऐसे भगवान की आंखों से आंसू बहाओगे तो धरती फट जाएगी। ये सब बच्चे तेरी मौत चाहते हैं। इन सबको भगवान जरूर न्याय दिलाएगा। वो भी बिन माँ बाप का अनाथ है क्या? आने दे, अगर वो आएगा तो मैं इन्हीं के साथ दफना दूंगा। बुला उसे। कौन सा भगवान आता है देखता हूँ मैं। ए! कौन सा भगवान आके बचाएगा पूछ रहा था ना? आ गया हमारा भगवान। भाई, हमारे वीरा भाई को मारने वाला यही है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा इसी धरती पर होता है। तेरे पापों का सर्वनाश करने के लिए परम पिता परमात्मा ने भेजा है उसे यहाँ। मुझे लगा था कि वो अमेरिका से मेरा प्यार ढूंढते हुए यहाँ आया है, लेकिन तुम्हारी मौत तुम्हें ढूंढती हुई सात समंदर पार करके आई, ये मुझे अब समझ आया। ये क्या, सुसरला के बेटे ने हमारे भाई को मारा? ए, तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा। देख, ये चारों तरफ मेरा इलाका है। अगर तू यहाँ से जिंदा बच के गया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। ए, जो मिट्टी की इज्जत नहीं करते उन्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। मिट्टी की कसम खा के कहता हूँ, बच्चों की ये हालत करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। तुझे और तेरे साथियों को सबको खत्म कर डालूंगा। तुम लोगों की समाधि पे इन बच्चों की नई जिंदगी शुरू होगी। क्या लगता है तू इन सबको बचा लेगा? ए, इसकी आंखों के सामने इन बच्चों को जिंदा जला दो, मैं भी देखता हूँ इन सब बच्चों को कैसे बचाएगा। Yeah!
सौंदर्य बच्चों को संभालो। तू मुझे तो जरूर मार सकता है पर मेरे भाई को नहीं मार सकता। मेरा भाई तेरे खानदान का नाम निशान मिटा देगा। ए, वो दोनों अभी मेरे भाई के कब्जे में हैं। तू उन्हें नहीं बचा सकता, सब मारे जाएंगे। हेलो वाल्मीकि जी, कहाँ हो आप? हाँ प्रियंका, मैं अभी इंडिया पहुँचा हूँ, क्या बात है? सर ने कॉल किया था सर, हमारे कॉन्सेप्ट का बैलेंस भेजने को कहा है उन्होंने, वो मैंने सेंड कर दिया ये बताने के लिए कॉल किया आपको। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं किया है। उस दिन आपने हम सबके साथ डिस्कस किया था ना सर, मुझे लगा फाइनलाइज हो गया है। डिस्कस करने में और फाइनलाइज करने में फर्क होता है। प्रॉब्लम क्या है सर? अभी के वर्जन के अनुसार हीरो के पेरेंट्स विलन्स के हाथों मर जाते हैं। अच्छा सर, इसीलिए मैं क्लाइमेक्स बदल के फिर से रीराइट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, काम करो। विश्वा को बोलना कि ये फाइनल वर्जन नहीं है, वाल्मीकि दूसरा कुछ लिख रहा है। मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं अभी विश्वा को फोन ट्राई करता हूँ। ओके? लेवल 4 सर, ये मैंने पानी के अंदर प्लान किया है जो नदी के करीब स्वस्तिक नगर के महल में है और वो महल गांव के बीचों बीच बना हुआ है। विलन की और हीरो के पिता के बीच बहुत बड़ी बहस होती है। विलन हीरो के पेरेंट्स को बंधक बनाता है और तभी क्या सर, कैसा गांव है ये? अभी तक एक इंसान नजर नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सर, मुझे लग रहा है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब चलिए सर, वापस चलते हैं। आइए बैठिए। ओह वेरी नाइस हाउस। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई पवित्र स्थान हो। यह ठाकुर साहब की हवेली थी। सालों पहले काली रात को कुछ डाकू आए और ठाकुर साहब के पूरे परिवार को मार डाला। हाँ। तब से मैं ही इसकी देखरेख कर रहा हूँ, इसे अपना गेस्ट हाउस बनाया है। आप आराम से बैठिए। एग्रीमेंट पे दस्तखत करने के लिए कहा है भाई ने। ये क्या, मेरी बात तो इस शर्त पर हुई थी कि पहले गांव वालों की सहमति ली जाएगी। नो रश, वी विल वेट। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसके लिए रो मत, जो आने वाला है उसकी चिंता ना करो, वर्तमान को देखो। मैंने पढ़ा था, कैसा लगा? दस्तखत कर दीजिए,
मिस्टर दिग्विजय, डोंट पुश मी। मुझे डराकर काम नहीं करवा सकते आप। आप मेरा स्टेटस भूल गए हैं। तेरा स्टेटस देखकर यूटर्न लेने वाला मैं मिश्रा नहीं। विच मिश्रा? मिश्रा मेरा पार्टनर। मिस्टर शिव प्रकाश, हाउ आर यू? अपने बेटे को साथ नहीं लाए? आप दोनों मरेंगे और आपकी फैमिली में वो अकेला बच जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लगता है आप सब ये की थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर मैं दस्तखत नहीं करूंगा तो मुझे जान से मार देंगे। आई विल पुट यू ऑल बिहाइंड बार्स इन नो टाइम। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत। तेरे माथे की बिंदिया बहुत सुंदर है रे। तेरे पति से बोल इसे मिटाने की कोशिश ना करें। तू चेक पे दस्तखत करके बड़ा आदमी बना है। मैं लाशों से दस्तखत करवा के यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसी को मारना मेरे लिए नई बात नहीं, पर तेरे लिए मरना नई बात होगी। दस्तखत कर। पेटीएम कर रहा हूँ। दादाजी, वाल्मीकि। दादाजी, दीर्घ आयुष्मान भव। आपकी तबीयत कैसी है दादाजी? वो माजी ध्यान रखी है ना, अच्छा है। वैसे तुमने कहा था यूएस में तुम कोई कहानी लिख रहे हो। लिखी? इंसान की जिंदगी भगवान का खिलौना होती है, आप ही ने कहा था दादाजी। अभी वही लिख रहा हूँ। वैसे आपको पता है मैं कौन सी कहानी लिख रहा हूँ? बचपन में यही पे सुनी थी। गुरुजी, शास्त्रों में ओम शांति का क्या अर्थ होता है? जो पापी होते हैं उन्हें सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए। गुरुजी, देख भाई, हम यहाँ अपने मामा जी की शांति के लिए आए हैं। इन सब बातों को हम नहीं मानते। तुम जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो और ये सब खत्म करो। जिस पूजन में पश्चाताप नहीं उसका फल नहीं मिलता। अब पाप का घड़ा भर चुका है। पाप मतलब? दादाजी, पश्चाताप का मतलब क्या होता है? इंसान गलती करने के बाद जिस पर पछताता है वो होता है पश्चाताप। तो ये लोग पश्चाताप नहीं करेंगे? फिर उन्हें सजा पंचभूत से मिलती है। वही मेरी कहानी है। पापियों को उनके पाप की सजा इंसान नहीं दे सकता, तो पंचभूत उनको उनके पापों की सजा देता है। दादाजी, चारों की मौत एक के ही हाथों से होगी। उन सबको कौन मार रहा है मरने वाले को नहीं पता होगा। क्यों मार रहा है मारने वाले को नहीं पता होगा। गतिविधियां इंसानों की जानी जाती है, भगवानों की नहीं। पंचभूतों ने अपना कमाल दिखा दिया। एक हवा में मरता है विंडमिल से लटकते हुए। दूसरा गुंडा अग्नि में जल के मरता है, काशी में चिता के ऊपर उसको जिंदा जला दिया। वाल्मीकि, तीसरा आदमी कैसे मरता है? क्या बकवास कर रहा है बे? छोटे भाई को मार दिया भाई। उसने भाई को जमीन में जिंदा दफन कर दिया। किसने मारा उसे? वीरा भाई को भी इसी ने मारा था भाई, वो कोई और नहीं, हम सबकी मौत है भाई। शिव प्रकाश का बेटा विश्वा। इसके बेटे ने हाँ? क्या कहा? तेरा बेटा मेरे भाइयों को क्यों मार रहा है? क्या चाहिए उसे? मेरा बेटा क्यों मार रहा है वो उन्हें? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे तीनों भाइयों को उसी ने मारा है। नहीं कर सकता, वो मुझे भी मार डालेगा। नहीं कर सकता। और बता कहाँ है वो? तेरा बेटा।
मेरे बेटे को मैं देखना चाहता हूँ, मेरी मौत को मैं देखना चाहता हूँ। आखिरी शैतान की मौत की तारीख मैंने लिख दी है, पर मैंने उसकी मौत का खेल अभी रचा नहीं। ये सब तुम नहीं कर रहे वाल्मीकि, ये माता का आदेश है, हमारी तुम्हारी सबकी माँ, जगत जननी माँ। पाप पे विजय पाने के लिए अहंकार का सर काट के आदि पराशक्ति तुम्हारे हाथों से लिखवा रही है। तुम जो लिख रहे हो वो कहानी नहीं है वाल्मीकि, सच्चाई है। वो चार भाई, तुमने दो भाइयों की मौत का खेल रचा, फिर तीसरा भी मिट्टी में मिलकर दफन हो गया। मुझे अनुमान है आखिरी मौत भी सुनिश्चित है। पंच तत्व ये खेल खेल रहा है वाल्मीकि, तुम तो केवल मात्र एक जरिया हो, जरिया। कहाँ है? फोन करके बुलाओ उसे जल्दी। अबे तो तू है मेरी मौत, तू अपने माँ बाप को ढूंढने नहीं आया, मुझे ढूंढने आया है। मेरे तीनों भाइयों को मार के अब तुम मुझे मारने आया है। जानता है क्या, तेरी पूरी फैमिली को मारने के लिए ऊपर वाले ने पैकेज बनाया है। तुझे तो मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा यहाँ क्यों हैं ये भी नहीं जानता, पर मैं तुझे मारने आया हूँ ये मुझे क्लियरली पता चल गया है। तेरी जान लेने के लिए मेरा पासपोर्ट ऊपर वाले ने बनाया, अब मैं समझा। मैं अपने माँ बाप की मातृभूमि पर आया नहीं हूं, मुझे ईश्वर ने पुराना हिसाब चुकता करने के लिए भेजा है। तेरी परीक्षा है ईश्वर। खून के रिश्तों पर महल बनाने वाला भला रिश्तों को क्या समझेगा? Thank you.
क्या हुआ? यही सोच रहा है ना कि हाथों में लकीर नहीं है, फिर भी तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। इसके हाथों की लकीरें हमारे माथे की लकीर को मिटा देगी, तो इसकी लकीरें मिटा दूं?
मानव शरीर पंच तत्वों से बना है। वायु, मिट्टी, अग्नि, पानी और आकाश से मिलकर ही शरीर की रचना होती है। मनुष्य के कर्म ही उसकी उन्नति अथवा विनाश का कारण बनते हैं। गुनाह करने पर उसके अंदर के पंच तत्व ही उसे सजा देते हैं। यही धर्म है। यह कहानी इसी बात की गवाही देती है। भले ही मनुष्यों ने इस धरती पर अपनी सुविधा के लिए लकीरें खींची हों, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए एक लकीर धर्म ने ही विकसित की है, जिसे किसी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। सृष्टि सब देखती है, इसका ध्यान रहे।